هذا التدريب هو الجهاد من اجل لا اله الا الله. हम अल्लाह की मदद से हर मुसलमान को अपील करते हैं कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अमेरिकन्स का कत्ल किया जाए और जहां कहीं भी उनका धन मिले उसे लूट लो. تظاهرونكم ان تثقنوا في امريكا وفي اسرائيل. फरवरी 1998 के फतवे से साफ हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जिहाद के टारगेट पर दो मुल्क थे, अमेरिका और इजराइल. इसमें एक और नाम लिखना बाकी था, हिंदुस्तान. अक्टूबर 2001, अल जजीरा टेलीविजन नेटवर्क पर दिखाए गए एक वीडियो टेप्ड मैसेज में अलकायदा ने भारत पर निशाना साधा. काफी हिंदुस्तानियों को मालूम नहीं है, उन्होंने उसमें भारतवर्ष का नाम भी ऐड कर दिया कह के कि ये हिंदू इंडिया के खिलाफ भी हमारा जहाद है क्योंकि हिंदू इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है. 13 दिसंबर सन 2001, भारत के संसद पर आतंकवादी हमला. जनवरी 22 सन 2002, दहशतगर्दों ने कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर धावा बोला. 24 सितंबर सन 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर जिहादियों ने आक्रमण कर दिया. सातों राज्यों की स्थिति यह है कि वहां से शेष भारत का जो रिश्ता है वो छोटी सी एक चिकन नेक जैसी एक पट्टी से है. जिस दिन वो पट्टी उखाड़ दी जाएगी, हवाई पट्टियां एक दो हैं, उनको विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाएगा, वो किसी भी हिंदू का वहां से निकलना असंभव हो जाएगा. बांग्लादेश के मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नक्शा जारी किया है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर यानी एक गलियारे की पेशकश की है. इसका नाम होगा मुगलिस्तान. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज वो कॉरिडोर बन रहा है और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से वाया असम, वाया वेस्ट बंगाल, वाया बिहार, यहाँ के कई जिलों में ऑलरेडी ये कॉरिडोर की छाप आ चुकी है और वही कॉरिडोर वहां से लेके वो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक बन रहा है. सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज चेन्नई के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार संपूर्ण उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों की बेल्ट का प्लान अब नजर आ रहा है. ये बेल्ट भारत नेपाल सीमा से होते हुए उत्तर पूर्वी भारत तक फैलती चली जा रही है. इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष रह चुके श्री टीवी राजेश्वर जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने लिखा था, भविष्य में भारत के पूर्वी छोर पर एक और नया बांग्ला भाषी मुस्लिम मुल्क उभरने का खतरा है. पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा सुरक्षा का खतरा अगर किसी और राज्य को है तो वो है असम. असम के गवर्नर जनरल अजय सिंह ने हाल में एक रिपोर्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री को पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि 6000 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हर रोज असम के अंदर दाखिल हो जाते हैं. इससे पहले 1998 में जनरल एसके सिन्हा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दिल दहला देने वाली बातें थी. समय से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र उत्तर पूर्वी भारत के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहा है. असम को बाकी भारत से जोड़ रही तंग जमीनी कड़ी को काट देने की योजना बनाई जा रही है. अगर ऐसा करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तो उत्तर पूर्वी भारत को देश से अलग किया जा सकता है. घुसपैठ के कारण ये जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं. करंग जिला जो कि सीमा पर नहीं है, वहाँ भी घुसपैठिए भारी तादाद में पहुँच चुके हैं. दिल्ली में खबर आती रहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, ऐसा है क्या? आओ तो सही है. क्या कितने लोग बांग्लादेश से आ गए दरंग जिले में? बहुत आता है, बहुत आता है, ये हिसाब नहीं है. नाउ द डेमोग्राफिक्स पैटर्न ऑफ असम इज चेंजिंग. आउट ऑफ 49 ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स, नथिंग इज देयर. ऑल ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स आर ऑक्युपाइड बाय इलीगल बांग्लादेशीज. फॉरेस्ट लैंड इज ऑक्युपाइड बाय बांग्लादेशीज. एग्रीकल्चर लैंड इज ऑक्युपाइड बाय बांग्लादेशीज. द होल डेमोग्राफिक पैटर्न इज नॉट चेंजिंग. सो इज द केस ऑफ नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश,
Meghalaya. I feel if the present trend continues with the existing type of Indian leadership, another 50 years, Assam may be embraced by the map of Bangladesh. केवल आर्थिक कारणों की वजह से घुसपैठिए स्वतः भारत में घुसते चले जा रहे हैं, ये मान लेना एक गलतफहमी होगी। अब प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश का सरकारी तंत्र योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करा रहा है। 4 मार्च सन 2005 असम ट्रिब्यून डिब्रूगढ़। बांग्लादेश अपने लोगों को असमिया भाषा सिखाकर असम में घुसपैठ करा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए और पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ये बात जाहिर हुई इस घुसपैठिए से बात करके। आपका नाम क्या है? नरगिस। आप कहाँ से आई हैं? हम तो गांव से ही, बांग्लादेश से ही है, बचपन से ही थे। कभी आपको पुलिस यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है? करती थी, अब हमें नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों को करती है। अब आपको क्यों नहीं निकालने की कोशिश करती? हम लोग कलकत्ते के, बना हुआ कुछ है हमारे पास। कलकत्ते से क्या बना आपके पास? पता नहीं, कोर्ट से कुछ बना है। ये किसका राशन कार्ड है? हमारे पापा का है। जो जो इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये एक पॉलिटिकल लॉबी की तरह से काम करेंगे और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वोटिंग पैटर्न। जिसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आप इंडिया में, पश्चिम बंगाल में बोलिए, इस मामले पर मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, तो उनको सॉलिड ब्लॉक वोट मिल जाता है और सब राजनीतिक नेता इस ब्लॉक वोट के पीछे दौड़ते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट के मुताबिक सर्वे में भाग लेने वाले 96% बांग्लादेशियों ने बताया कि वो चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। टास्क फोर्स का मानना है कि बांग्लादेशी अपने विधायकों के माध्यम से पुलिस और प्रशासन के कामकाज में कामयाबी से दखल अंदाजी करते हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि घुसपैठिए भारतीय राशन कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट के मुताबिक असम की 32% विधानसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 18% सीटों पर घुसपैठियों के वोट हार जीत का फैसला करते हैं। सेंटर फॉर द स्टेट एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज के अनुसार पश्चिम बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 100 दूसरी सीटों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए खासा असर रखते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल और असम की विधानसभाओं पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। इन द एंटायर बेल्ट इफ यू गो यू विल फील दैट यू आर इन बांग्लादेश और इन पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया। धुबरी जिला जहाँ 75% मुसलमान है, किशनगंज में 70 के आसपास होंगे, मुर्शिदाबाद में 70 के आसपास होंगे। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे स्थान यहाँ ऐसे हैं जहाँ पर अब भारतीय धर्मावलंबी नहीं रह सकते। और सारा आसाम में मेरा हिसाब से 70 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल 79 लाख, असम 50 लाख, बिहार के उत्तर पूर्वी जिले कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के अलावा झारखंड के साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 4,75,000 तक पहुंच चुकी है। त्रिपुरा में 3,75,000 बांग्लादेशी अपना बसेरा बना चुके हैं। बांग्लादेश की आबादी का 15% और 20% के हिस्सा जो है, आबादी का 15% और 20% हिस्सा जो है वो उन्होंने भारत में धकेल दिया है। भारत में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत खुद बांग्लादेश से मिलने शुरू हो गए हैं। 4 अगस्त 1991, द मॉर्निंग सन, ढाका। 1 करोड़ पीपल मिसिंग, 1 करोड़ लोग लापता। 1991 की बांग्लादेशी प्रिलिमिनरी सेंसस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के 1 करोड़ लोग लापता हैं। बांग्लादेशी डेमोग्राफर शरीफा बेगम की रिपोर्ट ने सारी बची कुची कसर पूरी कर दी। उन्होंने एक एनालिसिस करके बताया कि 1981 और 1991 के दौरान के ही दशक में 1,40,00,000 बांग्लादेशी भारतवर्ष में दाखिल हुए। दिसंबर 12, 2004, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता। जहां जहां भारत में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ठीक वहीं पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं।
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। पश्चिम बंगाल का अधिकांश बॉर्डर बिना किसी प्राकृतिक बाधाओं के चलता चला जाता है। जीरो लाइन तक खेती होती है और लोग आसानी से आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर तक आते जाते हैं। सीमा को पार करके भारत में घुस जाना बांग्लादेशियों के लिए आम बात है। जैसे ही हम बॉर्डर पर पहुंचे, एक बांग्लादेशी बच्चा भारत में घुस रहा था। बॉर्डर पे पैसा देके आता है कि भाई 1200 रुपए देके जो है वो भारत से बांग्लादेश जाया जा सकता है और 1500 रुपए पर पर्सन बांग्लादेश से भारत आया जा सकता है, जिसके अंदर दो टाइम का खाना भी शामिल है, मतलब पैकेज टूर है। इन कारगिल वार 3000 इलीगल पाकिस्तानी ट्राइड टू एंटर इंडिया, सो देयर वाज वार। हियर लाख्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज एंटरिंग नॉर्थ ईस्ट विद आर्म्स विदाउट आर्म्स। इट्स अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेस्टमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीपिंग मम। कई बार घुसपैठिए खुद ही स्वीकार कर लेते हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। आपका नाम क्या है? परवीन। कहाँ से आए आप? बांग्लादेश से। कब, कितने साल हो गए आपको दिल्ली में आए हुए? 15 साल हो गए हैं। आपका नाम क्या है? असादुल। आपकी माँ का नाम क्या है? चारा बेगम। और पिताजी का नाम क्या है? गुलाल खान। कौन सी जगह से आए आप लोग? बांग्लादेश से। कई बार राजनेता बांग्लादेशी समस्या को सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के विवाद में उलझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को वहाँ से उखाड़ रहे, ये गलत बात है, उसके विरोध में है। उन्होंने कहता है नहीं, बांग्लादेशी नहीं है ये, भारतीय मुसलमान है, आप लोग सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, ये दिस इज अ कैंपेन अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स। ये इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं है, ये सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है। ISI and Al-Qaeda, they are organizing the illegal Bangladeshis with arms and ammunition. But central government is keeping mum. रोजगार के साधन है, चाहे आप पान की दुकान लगाएं, या आप चाय बेचें, या आप रेड़ी लगाएं, या सब्जी बेचें, या ठेला लगाएं, वो जो रोजगार के साधन हैं, जो कम से कम 35-40 लाख वो आज बांग्लादेशियों ने हथिया लिए हैं, और असम में इसी कारण से बड़ी भारी ये समस्या है। देश इस समय भी ऐसे तकरीबन 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर जब भविष्य में वो बांग्लादेशी आतंकवादियों को पनाह देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तानी गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। गरीबी मिटाने की सरकारी स्कीम्स और स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी सब्सिडी के करोड़ों रुपए घुसपैठियों पर जाया किए जा रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक अनुसंधान के अनुसार हर साल बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश को भारत से 15,000 करोड़ रुपए भेजते हैं। उनका मानना है कि हर घुसपैठिया रोजाना औसतन 30 रुपए बचा लेता है। पश्चिम बंगाल से हर रोज 20,000 से लेकर 25,000 मवेशी स्मगलिंग के द्वारा बांग्लादेश पहुंचा दिए जाते हैं। बांग्लादेश से गौ मांस का भारी तादाद में निर्यात किया जाता है। एक साल में बांग्लादेश में औसतन 1,87,000 टन गौ मांस का उत्पादन होता है। भारत में जुर्म करना और फिर सीमा पार बांग्लादेश में गायब हो जाना बांग्लादेशी क्रिमिनल्स के काम करने का तरीका है। दिल्ली में ये बांग्लादेशी हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हैं, या तो अनऑथराइज रूप से, सिंपल अनऑथराइज तरीके से रहने से लेकर मर्डर तक में, रॉबरीज में, चोरी में, बर्गलरी में, हर तरह के क्राइम में। टास्क फोर्स का मानना है कि भारत में ठीक भारत बांग्लादेश सीमा के पास 905 मस्जिदें और 439 मदरसे बन चुके हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर सीमांत प्रदेश में 960 मस्जिदें और 469 मदरसे हैं। Do you think suicide bombers are going to emerge out of these madrasas? I think they probably already have. यहाँ पे भारत की सीमा खत्म हो जाती है। सीमा खत्म होने से पहले यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। इस गांव का नाम है खेकी डंगर। ये यहाँ पे कितने लोग नमाज पढ़ते हैं रोज? 20-25 यहाँ लोग हर दिन नमाज पढ़ रहा है। और मदरसा किधर है? मदरसा तो यही है, यही मदरसा। इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20-25।
पाकिस्तानी अखबार फ्राइडे टाइम्स ने बांग्लादेशी मदरसों पर रोशनी डाली। इसके मुताबिक बांग्लादेश के मदरसे पाकिस्तानी मदरसों की तरह ही पढ़ाई लिखाई कराते हैं। ये ज्यादातर देवबंदी हैं। अखबार का कहना है कि अलकायदा का पैसा बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। नतीजा, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स बांग्लादेश में तालिबान और अलकायदा के लिए योद्धा तैयार कर रहे हैं। People have emerged from Bangladesh and gone into the worldwide jihadi movement. Yeah. टास्क फोर्स ने बताया कि मदरसों का तालिबानीकरण हो रहा है। टास्क फोर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के फैलाव से पहले मदरसों का जाल बिछाया गया था। कई मदरसों का इसी तरह कट्टरपंथी विचारधारा का इस्तेमाल करके तालिबानीकरण किया गया था। ऐसा लगता है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की जा रही है। कौन सा मदरसा है ये? मदरसा फैजुल उलूम हाथीशाला। क्या आपको मालूम है काफिर क्या होता है? जी, काफिर होता है जो अल्लाह को न माने और इनकार कर दे, और अल्लाह के रसूल को न माने वो भी इनकार कर दे, और कुरान शरीफ को नहीं पढ़े उसको भी इनकार कर दे कि हम नहीं पढ़ते, हम नहीं मानते एक खुदा को, उसको काफिर कहते हैं। तुम्हारा नाम की? मोहम्मद शेख शाहीन। काफिर का देर बोले? যারা আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মেনে চলে না। আর আল্লাহর কথা শুনে চলে, নবীর আদেশ মানে, আর কারা নবীর আদেশ মানে না, আল্লাহর কথা শুনে চলে না, কারা সেটা একটু বুঝিয়ে বলো। যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা শুনে। কাফের তো যে ধর্মকে নাই মানতা হয় মুসলমান সে ওয়াদা খিলাফ করতা হয় ওই তো কাফের হয়। काफिर को क्या सजा देनी चाहिए? काफिर की सजा अल्लाह ने खुदा ने खुद मुतय्यन की है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे जहन्नम में रहेगा और वह आग में जलेगा। सांप बिच्छू भी डसेंगे, जिसे कुरान शरीफ या हदीस पाक से ये बातें साबित होती हैं कि वह हमेशा हमेशा जहन्नम रहेगा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, वहाँ आग है, सांप बिच्छू है और तरह तरह के अजाब हैं, बहुत तरह के सजाएं हैं उसमें, वो हमेशा हमेशा जम ही रहेगा। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गैर मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी विचार डाले जाते हैं। टास्क फोर्स ने आगाह किया कि इसके भविष्य में भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। जिहाद माने की? जिहाद माने युद्ध करा। की रकम युद्ध? कादेर संगे युद्ध? काफिर दे संगे, नबीजी दे संगे, मुसलमान दे संगे। जिहाद तो युद्ध है, घोषणा युद्ध है तो संग्राम है। जिहाद गैर मुस्लिमों से किया जाता है, जिहाद गैर मुस्लिम जो होते हैं उनसे किया जाता है, उसे दीन की दावत दी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात, यानी अल्लाह पर एक खुदा पर ईमान लाने की बात कही जाती है कि एक खुदा पर ईमान लाए। जब वो नहीं लाते हैं ईमान तो फिर उस वक्त जिहाद का हुक्म होता है। कुरान शरीफ की सूरत है सूरतुल बकरा, सूरत का नाम है, सूरत मीन्स चैप्टर, अध्याय, सूरतुल बकरा, बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 216 कुरान शरीफ में सूरतुल बकरा में है, कुतिबु अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व खैर व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शरुल लकुम वल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमु। कत्ल करना, काफरों को कत्ल करना, सऊदी अरेबिया में जो कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन है वहां कत्ल के बजाय फाइट, लड़ाई करना है, परंतु आप साधारण तौर आप समझ सकते हो क्या कुतिबु अलैकुमुल किताल, कत्ल शब्द है, मीनिंग जो है क्या काफरों को कत्ल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। लिखा है कि सीमा के दोनों तरफ मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल आईएसआई द्वारा किया जा सकता है, यहाँ से हथियारों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियाँ आसानी से की जा सकती हैं। कुछ साल पहले मैं बहराइच से आगे एक नेशनल पार्क में गया था, कतरनिया घाट नेपाल से सटा हुआ है, और वहां सुनने में आया कि सीमा के बराबर मदरसे और मस्जिद बनते चले जा रहे हैं, और वहां माओवादी और आईएसआई के एजेंट मिलते हैं और वो अपने मैप्स और हथियार पैसे का लेना देना चलता रहता है। आईएसआई वाले पाकिस्तान वाले और ये उनके
उनके अड्डे हैं, ये उनके सेंटर्स हैं जहां वो जाके तना ले सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और वहां अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं भारत के खिलाफ। अक्टूबर 8 What kind of venice it is? If you will kill me, if you will cut my leg, if you will cut my tongue, what kind of venice is this? There is no freedom. Condition put karo, money cannot be spent in madrasa. Kani madrasa take ekti shishu ke manush banane porigotte ekjon moulobadi musliman banana hocche. Take shikhaye dewa hocche musliman sara prithibite ar kichu nai. মুসলমান ছাড়া যাই তুমি করো সব হালাল, এই শিক্ষাটি বন্ধ না হলে শুধু বাংলাদেশ কেন সব জায়গায় এই ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা হবে। ইউ উইল ফেস দিস প্রবলেম আর আই এম ফেসিং ইট টুডে, ইউ উইল ফেস ইট, ইউ আর ইউর সান উইল ফেস ইট ভেরি সুন। হোয়াট ইজ দ্য এডুকেশন অফ মাদ্রাসা? দ্য মুসলিম আর দ্য সুপিরিয়র ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইফ ইউ উইল কনভার্ট অন নন মুসলিম, ইফ ইউ উইল কিল নন মুসলিম, ইফ ইউ উইল ম্যারিড অন নন মুসলিম, অর ইফ ইউ উইল rape on non-Muslim, because non-Muslim women and girls are the malagonimat. There is no crime. Heaven will be open for you. This is the education of madrasa. Atrocities on the minorities, atrocities on the indigenous population, atrocities in each and every heart in my country, created by madrasa people, so-called educated people. Sun 2001, Bangladesh ke Purba Delua mein Purnima Rani Shil ka balatkar kiya gaya. এগারোটি মুসলমান পুরুষ ভক্ত করে ধর্ষণ করছে, কারণ পূর্ণিমা মেয়েটি হিন্দু। পূর্ণিমার মা পাথর কণ্ঠে মিনতি করছেন, বাবারা একসাথে নাও, একজন একজন মহিলা যাও ওর কাছে। মুসলমানেরা পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেয়নি, পূর্ণিমার মাকেও দেয়নি, 6 বছর বয়সী ছোট বোনটিকেও দেয়নি। দক্ষিণ সাধনপুর বাঁশখালি পুলিশ স্টেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর 19, 2003। इस्लामी दहशतगर्दों ने ठीक आधी रात के बाद तेजेंद्र लाल शील के परिवार के 11 लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इनमें 4 दिन की एक बच्ची समेत 8 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। Using agencies, military and fundamentalist group commit systematic atrocities, human rights violation against the indigenous people with complete impunity. फरवरी 17, 2002, द डेली जनकंठ ने बांग्लादेश में एक सर्वे कराया। इसके मुताबिक बांग्लादेश में किए जा रहे बलात्कारों में तकरीबन 99% बलात्कार के शिकार अल्पसंख्यक हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक 10% से भी कम है। भोला जिला में कहा जाता है कि एक हिंदू नारी नहीं है, 60 से 70 तक जिसका बलात्कार नहीं हुआ। ऐसे जगह जगह में, भोला में हुआ, मीरेसराय चिटगांव में हुआ, उल्लापाड़ा पाबना में हुआ, ऐसे जगह जगह में हुआ जहां पर लगातार हिंदुओं का कत्ल किया गया, हिंदुओं का मंदिर नष्ट किया गया, वहां गाय काटा गया, वहां पर जो प्रतिमा हम पूजा करते थे, पूजा करते समय उसको सर तोड़ दिया गया, इस तरह का अत्याचार होता रहता है। रेप दे आर यूजिंग एज ए टूल टू क्लीन द माइनॉरिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, दे गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। तारा बोले जा, इधर यू बिकम इस्लाम, टेक इस्लाम एंड गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमले करना, उन्हें जिंदा जला देना, उनके साथ बलात्कार करना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, लूट मार करना, अल्पसंख्यक कर वसूलना और उनके साथ नौकरियों में भेदभाव करना बांग्लादेश के बहुत से मुसलमानों की फितरत बन चुकी है। 1941 में आज के बांग्लादेश में 29.61% हिंदू थे, जबकि 1991 में यहाँ केवल 11.37% हिंदू बाकी रह गए। सन 2004 तक हिंदुओं की संख्या केवल 10% रह गई। आज बांग्लादेश का तथाकथित सेकुलरवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये भारत के सेकुलरिस्टों के लिए एक चैलेंज है। बांग्लादेश में आज अल्पसंख्यकों की हालत बहुत चिंताजनक है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ बलात्कार, उनकी प्रॉपर्टीज को लूट लेना, उनके मंदिरों को तोड़ देना एक आम बात बन चुकी है। लेकिन भारत में
जब प्रताड़ित होकर ये अल्पसंख्यक आते हैं तो उन्हें घुसपैठियों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाता। लेकिन भारत सरकार रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है। बांग्लादेशी हिंदू यहाँ आते हैं उनके उनको लेकर आप क्या करते हैं? बांग्लादेशी हिंदू आए हैं तो उनका भी यह है कि हम पुलिस को एफआईआर लॉज करते हैं। बीजेपी के राज में भी ऐसा ही चलता था। बांग्लादेश बॉर्डर पे हमने बीएसएफ वालों से बात की, कोई इंस्ट्रक्शन आपने नहीं दी थी कि हिंदू जो आता है प्रताड़ित होकर बांग्लादेश से उसको भारत में रिफ्यूज दी जाए, उसको प्यार दिया जाए, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से नहीं मिली थी? देखिए, ये तो मैं स्वीकार करूंगा, ये आप जो कह रहे हैं, आप जो कहे हैं वो सही है, हमने सही कदम नहीं उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात तो प्रायः सभी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर से जो 50 किलोमीटर का दायरा है उसके अंदर अब भारत के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में हरिहरपाड़ा, डोमकल, रानी नगर, जलंगी, भगवान गोला, ऐसे जो जगह बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है जहाँ पर मुसलमानों का परसेंटेज 75-80% के आसपास है, वहाँ हिंदू रह नहीं सकते, वो अपनी जो औरतें हैं उसको और कहीं भेज देते हैं, बरमपुर भेज देते हैं या कलकत्ता भेज देते हैं। 22 जनवरी 2005 को जब हम इन गांव का दौरा करके वापस कलकत्ता आ रहे थे और रास्ते में जो स्थान पड़ता है बसंती, वहां पर पहले से मुसलमान बांग्लादेशी तैयार थे। हमारे स्कूटरों के ऊपर जिस पर हम बैठे हुए थे उन्होंने हमला बोल दिया, और हमला बोलते हुए ये इनका इनकी कुर्बानी लेनी है, उनकी कुर्बानी लेनी है। देखिए, हम देखा है जगह जगह पर जिधर बांग्लादेश आया वो लोग पहले कैटल लिफ्टिंग करेगा, कैटल गोरु कैटल लिफ्टिंग करेगा, कैटल लिफ्टिंग के बाद वो लोग क्या करेगा, जो हिंदू गार्ड्स एंड हिंदू मेरी रूमेन होगा उनका ऊपर दे विल असॉल्ट, दे विल क्रिएट नेशंस, देन खेती में हिंदू लोगों का खेती में वो लोग अटैक करेगा, छुरी करेगा। इसके बाद प्योर डिस्कशन फ्रस्ट्रेशन द हिंदू लोग वो जगह छोड़कर दूसरा जगह पर जाता है। ये सारे हिंदू जो हैं वो अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर एरिया से छोड़कर जमीन बेच के, जायदाद बेच के इंटीरियर में जहां उस अपने आप को सेफ सिक्योर समझते हैं वहां जा रहे हैं। बांग्लादेशी नेशनल जो है नागालैंड में जा रहे हैं और वहां जाके वहां की जो नागा औरतें हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, तो ये देखा गया है कि वहां एक नई किस्म की पॉपुलेशन पैदा हो रही है जिनके बाप मुसलमान है लेकिन माँ जो है वो लोकल नागा लड़की है। इस वक्त इस बात का शक है कि करीब 2 लाख बांग्लादेशी वहां नागालैंड में घुस चुके हैं और बांग्लादेश से और लोग भी वहां जा रहे हैं, और नागालैंड की कुल जो आबादी है वो सिर्फ 20 लाख है। नागालैंड में मुसलमानों की आबादी जो एक दिन ऐसा खतरनाक इसके नतीजे निकलेंगे, और हो सकता है जिस तरह ईस्ट टिमोर में, इंडोनेशिया में मुसलमानों के और क्रिश्चियन की आपस में बड़ी सख्त लड़ाइयां हुई थी, यहां भी वही हाल पैदा होने वाला है। बांग्लादेशियों ने मुस्लिम बंग भूमि की मांग इस देश के अंदर कर रखी है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर ही एक मुस्लिम बंग भूमि चाहिए। अनदर पार्टीशन इज कमिंग, अनदर बांग्लादेश इज कमिंग। इस्लामी आतंकवाद मासूम हिंदुस्तानियों की जान ले रहा है, भारत के सुपर पावर बनने में सबसे बड़ी बाधा है आतंकवाद। अगर दोबारा विभाजन होता है या विभाजन की मांग होती है तो उसका काफी सारा असर जो है वो भारत की तरक्की पर पड़ेगा, तरक्की रुक जाएगी, तरक्की को सेटबैक होगा। गैर कानूनी तौर पर घुस रहे विदेशियों के लिए देश में 2 कानून हैं, असम में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल यानी IMDT एक्ट और बाकी भारत में फॉरेनर्स एक्ट। IMDT एक्ट फॉरेनर्स एक्ट के मुकाबले एक कमजोर कानून है, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए IMDT एक्ट नाकामयाब साबित हुआ है। IMDT एक्ट जो है एक पिक्यूलियर एक्ट है जिसमें जो आरोप करते हैं
The onus is on that person to prove that someone else is a Bangladeshi immigrant. उसी कारण में INDT में आज 10 साल हो गया है, 12 साल हो गया है, सिर्फ 1500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट किया है. This is an ineffective act. It is a bogus act. Lieutenant General S.K. Sinha, in his report to the President of India, he said that this act must go. The Law Commission of India, they have recommended that this act must go. After the Kargil war, there was a group of ministers' report. That report also said that this act must go. After that, there was a border management group. In that report, it said this act must go. How two acts can, detect illegal foreigner? Because the all political parties, they need illegal Bangladeshi vote, so they are not repealing this INDT act. आज भारतवासियों के लिए समय आ गया है कि वो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहें, अपने आप को एसर्ट करें. हिंदू संस्कृति बहुत अच्छी है, बड़ी उदार है, है, मगर क्या मर जाए, क्या नष्ट हो जाए? अरे ये जो सवाल है कि आप उदार बने रहिए और वार खाते रहिए, छुरे खाते रहिए, अपनी जमीन खोते रहिए, अपनी जनसंख्या खोते रहिए, अपना अधिकार खोते रहिए, इसका मतलब क्या है? अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई अर्जुन आएगा. वास्तव में समय यह है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं किसी दूसरे का इंतजार न करूं कि कोई दूसरा अर्जुन आएगा, मैं स्वयं ही अर्जुन हूं और अपना कर्म मैं स्वयं ही करना शुरू करूं. अर्जुन में भी कायरता आती है, अर्जुन भी पलायनवादी होता है, अर्जुन में भी अपने भाई भतीजों के प्रति आत्मीयता का भाव पैदा होता है. लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यह भाव अर्जुन के मन में पैदा होता है, दुर्योधन के मन में तो पैदा नहीं होता. युद्ध की हानियों को अर्जुन अनुभव करता है, दुर्योधन तो अनुभव नहीं करता. इसलिए आप हानि अनुभव करते भी रहे, युद्ध को गाली देते भी रहे, तो दुर्योधन आपको युद्ध से छोड़ेंगे नहीं, आपको क्षमा नहीं करेंगे. हम लोग डिब्रूगढ़ के चिरंग चपोरी युवा मंच ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकने का एक फॉर्मूला तैयार किया है. फॉर्मूला आसान है, पर्चों और SMS के द्वारा आह्वान किया गया, बांग्लादेशियों का बहिष्कार करो. हम शपथ खाते हैं कि बांग्लादेशियों को नौकरी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे और आसरा नहीं देंगे. नतीजा, बांग्लादेशी शांतिपूर्वक तरीके से डिब्रूगढ़ छोड़कर भागने लगे. बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर भगाने का सबसे आसान तरीका है उनका आर्थिक बहिष्कार. इसके लिए जागरूकता होना जरूरी है. इतनी विराट जाति को कोमा से बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में जागृति के चिन्ह दिखाई देते रहते हैं. कभी जब भी अस्तित्व बोध उसमें जागृत हो जाएगा तो कोमा से बाहर निकल आएगा. विशेषज्ञों ने हमें बार बार बताया कि बांग्लादेशियों को भगाने का सबसे आसान तरीका है बी होस्टाइल टू द इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी घुसपैठियों के प्रति हमारे व्यवहार में दया भाव नहीं, शत्रुता दिखनी चाहिए. ये हम लोग यहाँ आने में हम लोग का अपने जान का खतरा है. ये जब एनवायरनमेंट होगा, ग्रेटर अवेयरनेस होगा और बॉर्डर सिक्योरिटी होगा, तभी ये प्रॉब्लम. घुसपैठियों के खिलाफ वोट बैंक जिस दिन तैयार हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, जैसे UK में किया है. उन्होंने कह दिया है कि कोई भी इलिटरेट अनस्किल्ड आदमी हमारे देश में नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो कोई भी उसको नौकरी नहीं देगा, अगर कोई नौकरी देता है तो उसे 2000 पाउंड का जुर्माना करेंगे. चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार करना हो या उनके खिलाफ कानून बनाना हो, दोनों के लिए पहला कदम है जागृति. जैसे पोलियो को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, कि घर घर जाकर जहां देखते हैं एक से पांच साल का बच्चा है आके पूछते हैं. समस्या मेरे ख्याल में इंटरनेशनल अवेयरनेस से ही होगा, लेकिन इसका लीड, पहला कदम इंडिया को लेना चाहिए टू मेक द वर्ल्ड अवेयर. और हम लोग ये नहीं किया है, हम लोग अपने देश के लोग को अवेयर नहीं किया. अब दुनिया को अवेयर तो उसके बाद की बात है. बांग्लादेश की 15% जनसंख्या भारत में रहती है, इसलिए सर्वप्रथम बांग्लादेश को अपनी जमीन का 15% भूभाग भारत को देना चाहिए. क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उस समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए उसकी आबादी के हिसाब से जमीन मांगी थी. तो आज उनकी 15% आबादी भारत में रह रही है. तो बांग्लादेश समस्या का समाधान मेरे हिसाब से ये है कि
कि उनकी 15% जमीन हमें दी जाए और बांग्लादेश में जो 10% अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, जिन्हें रोज वहां प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, काटा जाता है, जिसकी सुध कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं लेता, उन लोगों को भी 10% जमीन अलग से दी जाए। कुल मिला के 25% जमीन अगर बांग्लादेश देता है, जहां की घुसपैठियों की समस्या के कुछ समाधान, लोगों में जागृति, भ्रष्ट नेताओं का घेराव, सीमा पर हाईटेक फेंसिंग, बॉर्डर पर शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल, घुसपैठियों की सूची बनाने के लिए नया मंत्रालय, पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के द्वारा जाली राशन कार्डों का पर्दाफाश, भ्रष्ट अफसरों और नेताओं को सजा, घुसपैठियों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश का बहिष्कार, जमीनी और समुद्री रास्तों से बांग्लादेश पर आर्थिक और सैनिक दबाव। कंट्री फर्स्ट एवरीथिंग कम लास्ट, देश पहले है बुलबुलो, कर तुम्हारा चमन लुट गया, क्या चाहने बताओ कहां जाओगे।